आपने आज तक मच्छर भगाने के लिए फॉग मशीन देखा होगा जो कि मच्छरों को मारती और भगाती है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें यह पूरे शहर में फॉग उड़ाती हुई बस दिख रही है। आज इस बस ने पूरे शहर में धुआं ही धुआं कर दिया। जो भी आने जाने वाले व्यक्ति थे वह देख रहे थे कि यह किस प्रकार की नई बस आ गई है जो कि शहर में पूरा धुआं ही धुआं उड़ा रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें प्रदूषण के प्रति कितनी सचेत है और प्रदूषण कम करने के लिए भारत सरकार वाहनों में विभिन्न प्रकार के मॉडल BS4 से लेकर BS6 तक के मॉडल भारत में लॉन्च कर रही है जिससे कि देश में प्रदूषण कम हो। लेकिन बालाघाट जिले में यह पहला मामला सामने देखने आ रहा है कि शास्त्री बस जो कि बालाघाट से लांजी डिसेवाड़ा जाती है उसको आज आपने देखा है कि पूरे शहर में धुआं उड़ाती नजर आ रही है। यह घटना बालाघाट जिले के RTO विभाग के ऊपर तमाचा मारती हुई नजर आती है। जिस प्रकार RTO विभाग आए दिन चेकिंग करके करोड़ों रुपए की वसूली करता है, तो क्या ऐसे धुआं उड़ाने वाले और प्रदूषण फैलाने वाले वाहन के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करता? यह एक सवालिया निशान है कि परिवहन विभाग के द्वारा इस प्रकार की बसों को अनुमति देना प्रदेश और जिले में प्रदूषण फैलाने की ओर अग्रसर है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस बस मालिक के ऊपर क्या कार्रवाई करता है या ये भी मामला ऐसे ही समाप्त होता नजर आएगा।